बहुत अच्छा लगा। तो आप जैसा कि कहीं आपको बुलाते हैं बताने। दोस्तों जोहर, वेलकम बैक टू माय चैनल सोयब्लॉग। सोयब्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूं, जो कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाला हूं, कौन सा वीडियो शेयर करने वाला हूं। हाँ दोस्तों, वो जो आप लोग थंबनेल में देखी, वो एक माता जी है जो कि नगड़ा बजाती है, बहुत धमाकेदार नगड़ा बजाती है। उनका वीडियो मैं पहले बार राजगमपुर में जो पुरोहित अभिषेक हुआ था, उसी समय जो वीडियो भाई लोग शेयर किए थे, वही वीडियो में मैं पहले बार देखा। दूसरा बार उनको लोअर रूम में देखा, जहाँ पे न्यू चर्च का ब्लेसिंग हो रहा था, वहीं पर उनको देखा। तो मेरे को बात करने का मन किया था, पर वहाँ पे टाइम नहीं मिला। जब मैं तीसरा बार उनसे भेंट हुआ, तो मैं उनसे बात किया और बहुत अच्छा लगा बात करके। तो मैं उनसे क्या क्या बात किया, तो पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए और जानने के लिए मिलेगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये माता जी जो कि इतना मेहनत करती है, नगड़ा बजाती है, शर्म छोड़ के, बहुत कोई हम लोग नगड़ा बजाने के लिए शर्माते हैं, लड़का लोग शर्माते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं माता जी कितना खूबसूरत बजाती है, और उनको फेमस करना हम लोग का कर्तव्य है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग का कर्तव्य है, जो कि हम लोग कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करना या उनका वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हम लोग का कर्तव्य है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे डिटेल्स आप लोगों को ये वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय दोस्तों, और अभी मैं आप लोगों को ऐसा एक शख्स मिलाने वाला हूं, जो कि आप लोग बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे और बहुत कोई नहीं भी देखे होंगे। जो यूट्यूब वीडियो आप लोग अगर देखते हैं और कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल डांस सब अगर आप लोग देखते होंगे तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो मैं आप लोगों को उनसे मिलाने वाला हूं, जो कि एक क्या कहेंगे माँ जी है, लेडीज़ है माँ जी, और वो नगड़ा बजाती है, बहुत गजब का नगड़ा बजाती है। हम लोग तो जब भी उनका नगड़ा बजाते हुए देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं उससे मिलाने वाला हूं, और सामने ही यहां पे आप लोग देख सकते हैं बैठी है। तो चलिए आप लोगों को मिलाता हूं, और कभी अगर आप लोगों को इनका ज़रूरत पड़ेगा, नगड़ा बजाने वाली का अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स अभी नाम पूछेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को देंगे, अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं। सामने खड़ी है माँ जी, जो कि नगड़ा बजाती है, बहुत अच्छा तरह से बजाती है, और हम लोग खाली देखे हैं, आज यहाँ पे भेंट हुए हैं यहाँ पर। चलिए आप लोगों को बताएंगे ये माँ जी की, उनका नाम क्या है और कहाँ रहती है। यीशु सहाय, मेरा नाम है ख्रिस्त सेवानी कांडुलना, संबलपुर पेरिस बुरला मंडली। आप संबलपुर से हैं? हाँ, संबलपुर बुरला मंडली से। अच्छा, तो आप इधर आते हैं तो कहाँ पर रुकते हैं आप? मैं जहाँ पर प्रोग्राम होता है वहीं रुक जाती हूँ रात होने से। अच्छा, ये सब बात है। तो हम लोग तो आपको नहीं देखे थे जब पहले, तो मैं यो राजगमपुर का जो यो फादर लोग का जो अभिषेक हुआ उस टाइम मैं आपको देखे थे, तो देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे लोअर रूम हम लोग आए थे तो वहाँ पे आपको देखे, देख के बजाते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। तो आप जैसा कि कहीं आपको बुलाते हैं बजाने के लिए तो आप जाते हैं कि? जाते हूँ, बुलाते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, और मैं सुनती हूँ तो मैं अपना मर्जी से जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो जो कोई अगर आपको बुलाना चाहता है तो उन लोग आपसे कैसा कांटेक्ट करेंगे? शायद आपका फोन नंबर से। अच्छा अच्छा, फोन नंबर से। अच्छा, ये तो आपका फोन नंबर थोड़ा सा बता दीजिएगा। 7327951282। और एक बार बोल दीजिए। 7327951282। और एक बात क्लियर जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको कोई शादी में बजाने के लिए बुलाएंगे,
तो आप उसका पैसा लेते हैं, कितना लेते हैं, क्या करते हैं, उस थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो प्रोसेशन का टाइम में बजाती हूँ और बुरला से राउरकेला तक भाड़ा जोड़ती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ से भाड़ा कितना? बुरला से राउरकेला आने में खाली 200 रुपया भाड़ा लगता है। जी जी हाँ। उसका बाद और लौटने का 200-400, उसका बाद में वहाँ से किधर बुलाएंगे उसका भाड़ा जोड़ना पड़ता है उतना ही। अच्छा हाँ। उसका बाद में जो अपना इच्छा से जो जितना देंगे, देंगे, मतलब कि आपका कोई रेट नहीं है नहीं कि है, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, आपसे मुलाकात हो गया और आपका नंबर भी मिल गया, कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको कांटेक्ट करेंगे और बुलाएंगे। तो सुंदर, आपका परिचय और कॉन्टेक्ट नंबर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।